हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे कि मेडिकल सॉफ्टवेयर जो है ये कैसे वर्कआउट होता है। वो ये एक रिटेल का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स में मेडिसिन मास्टर बोल के है, जहाँ पे आप जितने आपके मेडिसिन्स हैं उतने पूरे आप इसमें एंटर कर सकते हो। न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज, ये 5 बटन है। पूरा सॉफ्टवेयर ये 5 बटन के ऊपर ही चलता है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कैसे ऑपरेट करना है, तो पूरा सॉफ्टवेयर आपको समझ में आता है। इसमें ऑलरेडी जैसे ही व्यू करेंगे तो 40,000 के करीब में जो मेडिसिन्स हैं वो जो मार्केट में चलते रहते हैं, जेनरिक और स्टैंडर्ड मेडिसिन्स, दोनों इसमें अवेलेबल है। प्लस इसमें आपको जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हो। अगर कुछ फाइंड करना है, ये बहुत सारे हैं, तो इस टाइप में आपने यहाँ पे एंटर डेटा में टाइप करना है स्टार्टिंग का इनिशियल जो भी है, और मेडिसिन नेम को क्लिक करना है, तो जी आई ऐसे पूरा लिस्ट दे देगा। जी आई टी कर दिया तो जी आई टी वाला लिस्ट दे देगा आपको इस टाइप में। ठीक है, तो सिलेक्ट करना है, ओके। इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज करना है जैसा आपको चाहिए वैसे, और जस्ट मॉडिफाई क्लिक कर दो तो मॉडिफाई हो जाएगा। नहीं चाहिए रहेगा तो डिलीट करना है, और न्यू का बटन दबाओगे तो बटन कन्वर्ट होकर सेव होगा। आप यहाँ पे नया मेडिसिन ऐड कर सकते हो, जैसे कि मेडिसिन का नाम आ गया, ड्रग का टाइप आ गया कि ये टैबलेट है, सिरप है, जेल है, जो भी है वो। मैन्युफैक्चर का नाम आ गया, अगर नया मैन्युफैक्चर तो बाजू में क्लिक करके बटन में आप नया बना सकते हो। उसका कंटेंट्स आ गए, जिसकी वजह से आप सब्स्टिट्यूट्स वगैरह रख सकते हो। उसको रैक वाइज कहाँ पे रखना है, आपको पैकिंग कैसी है, वो 10 टैब है, 15 टैब है, ऐसे 10 टैब करोगे तो ऐसे दिखाई देगा आपको। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो बाजू में पैक काउंट में जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ नहीं है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 10 बोल के आ गया। जैसे ये आएगा तो ही आपका वो काउंट में आ जाएगा, मतलब समझो आपने जितना लिया हुआ है स्ट्रिप, तो ये ऑलरेडी यहाँ पैक काउंट में आना चाहिए। उस पर कितने परसेंट GST लगा, और ये जो है शेड्यूल H1 है या नॉर्मल है, जेनरिक है, कैल्शियम है, आयुर्वेदिक है, ये पूरा आप यहाँ पे रख सकते हो। शेड्यूल H1 रखने के फायदे क्या होंगे कि बिल करते हुए आपको जितना आपका शेड्यूल H1 ड्रग है वो अलग से करके दिखाएगा, और ड्रग ऑफिसर्स को आप उसकी लिस्ट बना के दे सकते हो। इसका मिनिमम क्वांटिटी का रिकॉर्ड रख सकते हो आप, कि समझो आपको 2 स्ट्रिप आ गए तो आपको अलर्ट देना चाहिए कि मिनिमम क्वांटिटी है करके, कि वापस से परचेस कर लो आप इसको। ठीक है, तो इस टाइप में पूरा मेडिसिन आपको भरना है। नेक्स्ट है जो आप ऑलरेडी मेडिकल यूज़ कर रहे हो, मेडिकल चला रहे हो, उसमें आपको पहले फिजिकल स्टॉक पूरा भर के लेना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड में सर्विसेज में फिजिकल स्टॉक बोल के ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू बोलना है, जो मेडिसिन का नाम है वो मेडिसिन का नाम डालना है। तो ये मेडिसिन के नाम आपको दिखेंगे यहाँ पे इस टाइप में आ गया। FMF टैब एंटर करिए, आपने बैच नंबर डाल दिया जो आपको बैच नंबर आ रही है, वो एक्सपायरी डाल दी, क्वांटिटी डाल दिया। क्वांटिटी डालते हो स्ट्रिप वाइज डालना है, और अगर कट प्रैक्टिस करते हो आप, मान लो 10 स्ट्रिप आपके पास में है और छुट्टा 5 टैबलेट है, तो 0.5 कर देना है, समझ गए? यानी कि 10 स्ट्रिप हो गया और छुट्टा जो है वो पॉइंट जो भी है वो। ठीक है, उसका परचेस रेट कितना आ रहा है और सेल रेट क्या जा रहा है, ये डाल के यहाँ पे सेव कर देना है। ऐसे एक एक करके पूरे मेडिसिन आपको सेव करने हैं। समझो इसमें कुछ चेंज करना है कि 90 रुपीज़ नहीं है, उसका 91 रुपीज़ है, तो इसको ओके बोलना है, व्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पे और 91 क्लिक करके मॉडिफाई कर देना है। इस टाइप में पूरा फिजिकल स्टॉक अंदर करना है तो स्टॉक में अंदर आ जाएगी पूरी मेडिसिन आपकी। नेक्स्ट है परचेस बिल, जो हम लोग खरीदी करते हैं वो, ये भी एकदम सिंपल है। न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। न्यू को बटन को क्लिक कर दो, डेट आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नया है अपने पास अवेलेबल नहीं तो यहाँ पे बाजू में बटन में क्लिक कर दो, उसका नाम बना दो, और सेव कर दो बाकी के सब पूरे फीचर्स डाल के। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। बिल नंबर पूछेगा कि क्या बिल नंबर है, कैश है या क्रेडिट है। अगर कैश है तो कैश अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट अकाउंट में चला जाएगा। मेडिसिन का नाम मान लो सिराटिन है, 100 mg टैबलेट है। पहले या कुछ बैच नंबर अगर आपके पास में है तो यहाँ पे वो लिस्ट पूरी दिखा देगा, तो उसमें से बैच नंबर सेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो एस्केप का बटन दबाना है, कीबोर्ड पे एस्केप रहेगा, एस्केप बटन दबाना है, यहाँ पे आ जाएगा बैच पे ASD
एक्सपायरी आ गया 25, क्वांटिटी आपने डाल दिया मान लो 20 टैबलेट्स है, कितने फ्री आए हुए आपके, वो एक फ्री आया है, क्या रेट है 150 रुपीज़ स्ट्रिप का पूरा, ये स्ट्रिप वाइज काम चल रहा है, और आपको परचेज क्या आया हुआ है ये रेट में आया हुआ, कुछ डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट वगैरह आ सकता है, ऐसे GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा 6-6%, मतलब 12% जो है वो, इस टाइप में आप कर सकते हो। दूसरा मेडिसिन आ गया, यहाँ पे आ गया, ये सिरप है, एंटर कर दिया, पहले का बैच है तो एंटर दबा दो, नहीं है तो एस्केप बटन दबा दो, उसका डाल दो, कितने क्वांटिटी लिए आपने, बॉटल कितने लिए हैं, कुछ फ्री आया है तो क्या रेट है बॉटल का 98 रुपीज़, परचेस आपको क्या आया हुआ है 67 रुपीज़, इस टाइप में आ गया। मान लो कभी कभी क्या होता है कि होलसेलर के पास से कुछ GST में या फिर डिस्काउंट देने में आगे पीछे होता है, तो 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के अराउंड में डिफरेंस आता है टोटल अमाउंट में, तो क्या करना है नॉर्मली यहाँ पे जाके प्लस माइनस में एडजस्ट करना है। मान लो अभी आपका आया हुआ है 3,203 रुपीज़ आया हुआ है, पर यहाँ पे दिखाते हो 3,209 दिखा रहा है, तो बस -6 कर देना है तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ले लेगा वो, या फिर एडजस्ट करके आपको जैसा ठीक लगता है वैसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। क्या होता है कभी कभी फार्मेसी वाले जो रहते हैं होलसेल वाले, एंट्री करते हो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं उनके सॉफ्टवेयर के हिसाब से देख के, या स्कीम डिस्काउंट पहला करते हैं GST बाद में लगाते हैं, या GST पहले लगाते हैं बाद में स्कीम डिस्काउंट करते हैं, तो कैलकुलेशन कभी कभी ऊपर नीचे आता है, कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हो, तो उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग आते रहता है, तो ये जो ऊपर का डिस्काउंट रहता है आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो और बस सेव कर देना, ठीक है, बिल टैली करके। बाद में इस टाइप में परचेसिंग हो गया पूरा, तो ये स्टॉक में अंदर आ जाएगा। अब सेलिंग आता है, सेल बिल, सेल बिल में ऐसी ऑप्शन है, बस यहाँ पे आपको न्यू को क्लिक करना है, डॉक्टर का नाम जो आपका रिलेटेड डॉक्टर है वो, कस्टमर का नाम मान लो, मोबाइल नंबर, सेल्समैन रहेगा तो सेल्समैन, और हमने जो अभी परचेस किया हुआ है तो वो हिसाब से आपके यहाँ पे लिस्ट दिखेगी कि इतना मेरे पास में स्टॉक है, यहीं पे दिखेगा आपको, फिर आप जैसे क्लिक करोगे उसको तो वो अलग अलग बैच रहेगा, तो वो बैच वाइज दिखा देगा कि ये बैच का कितना है, ये बैच का कितना है, ये बैच का कितना है, अब वो बैच को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितने क्वांटिटी आप उसको दे रहे हो, और उसके आगे ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दिखेगा कि मुझे कितने प्रॉफिट में हूँ करके, नीचे आ गया इस टाइप में। अब दूसरा मेडिसिन को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया, उसका बैच नंबर भी एंटर किया, ये जो आ रही है ये गोली के हिसाब से आती है, टैबलेट के हिसाब से, स्ट्रिप वाइज नहीं आता रेट, तो यहाँ पे आपको समझो आप 5 टैबलेट्स दे रहे हो तो इस हिसाब से आ जाएगा पूरा, तो 5 टैबलेट का कैलकुलेशन करके देगा, सामने पूरा दिखा देगा, और आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह देना है तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज वगैरह डिस्काउंट भी दे सकते हो, बस यहाँ पे सेव करना है, रिकॉर्ड इंसर्टेड, और प्रिंट निकाल देना है। प्रिंटिंग के लिए सब प्रिंटर्स अवेलेबल है, डॉट मैट्रिक्स है, थर्मल है, लेज़र है, आपको जो लगेगा वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें ये हो गया परचेसिंग का, जो खरीदी करने के लिए अंदर आने के लिए, ये हो गया सेलिंग का, बिक्री करने के लिए, कुछ आपको रिटर्न आता है तो सेल रिटर्न में एंट्री कर लो, और कुछ आपको रिटर्न देना है तो परचेस रिटर्न कर लो, और यहाँ पे स्टॉक की एंट्री, बस इसी पे पूरा खेल चलता है, परचेस सेल, सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, स्टॉक मैनेज करने के लिए। जिसका पेमेंट देना है यहाँ पे पेमेंट्स में दे सकते हैं, किसी का पैसा लेना है तो रिसीट में ले सकते हैं, किसी का खर्चा दिखाना है कि चाय पे, रेंट पे, लाइट बिल, सैलरी, ये पूरा एक्सपेंस में जाके आपको कैटेगरीज वाइज करना है। एंट्री करने के लिए सिर्फ परचेस और सेल इतना ही है, एकदम सिंपल, बाकी के सब रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, परचेस रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, डेली सेल कितना हुआ है कैश में, क्रेडिट में, कार्ड में, जो भी है वो, उसके हिसाब से मेडिसिन वाइज परचेस, मेडिसिन वाइज सेल, डॉक्टर वाइज सेल कितना है, शेड्यूल H1 ड्रग का रिपोर्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टॉक के हिसाब किताब पूरा आएंगे कि फास्ट मूविंग कौन सा है ड्रग, स्लो मूविंग कौन सा ड्रग है, मनी रिपोर्ट्स में सबके लेजर्स आ जाएंगे, किसी का अगर कुछ उधारी बाकी है पेंडिंग में तो वो आ जाएगा, एक्सपेंस रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, रिसीट रिपोर्ट, डे रिपोर्ट्स पूरे आ जाएंगे, डे रिपोर्ट में आज का पैसा आया कितना, गया कितना, बचा कितना, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा डेट वाइज, बिल वाइज, GST के रिपोर्ट्स आ जाएंगे जो आपको CA को देने रहते हैं, GST R1 R2 और 3B रिपोर्ट, और स्टोरेज में कहाँ पे रखा है हमने मेडिसिन, सब्स्टिट्यूट क्या क्या है अपने पास में उसके रिगार्डिंग, एक्सपायरी का रिपोर्ट क्या क्या है, प्लस इसमें बताना भूल गया कि एक्सपायरी का जो है सेल बिल जो हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे एक फॉर्म आता है जो ब्लू कलर का आपके यहाँ व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये यहाँ पे रोल होते रहेगा मेडिसिन 1 महीने पहले ही,
कि ये मेडिसिन एक्सपायर हो रहा है, इसको निकाल दो करके, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा सॉफ्टवेयर चलता है, और सॉफ्टवेयर सिर्फ परचेस और सेल पे ही काम करता है, बाकी का पूरा ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ठीक है सर। कुछ लगेगा तो आप डायरेक्टली नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कीजिए, और आगे का डेमो अरेंज करने का वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है सर। थैंक यू।